भगवान द्वारा बधुज थई शके। जो कोई भगवान ने इच्छे तो भगवान पोते ज हृदयनु शुद्धिकरण हाथ में लेता होय छे अने साधनानो विकास करता होय छे अने जरूरी अनुभव आपता होय छे। हाँ, ए थई शके अने एम ज थाय जो व्यक्ति ने भगवान में भरोसो अने विश्वास होय तथा समर्पणनी साची इच्छा होय। मात्र पोताना ज प्रयासों उपर आधार राखवाने बदले व्यक्ति जो पोताने भगवानना हाथ में सोंपी दे तो भगवान आ रीते बधु पोताना हाथ में लई लेता होय छे। अने आनो सूचितार्थ ए थयो कि व्यक्तिए भगवान में पोतानो विश्वास अने भरोसो मूकवो जोईए अने क्रमशः पोतानी जातनुं समर्पण करवुं जोईए। हकीकतमां मैं पोते साधनाना आज सिद्धांतनुं अनुसरण कर्युं हतुं अने हूँ जे योगनी कल्पना करूँ छू तेनो केन्द्रवर्ती भाग आज छे। मने लागे छे के श्री रामकृष्णे बिलाड़ीना बच्चानुं जे उदाहरण आप्युं हतुं तेमां तेमने आज अभिप्रेत हतुं, परंतु बधा ज आ एकदम करी शके नहीं, तेमने त्यां सुधी पहोंचवा माटे समय लागे छे। ज्यारे मन अने प्राण शांत थई जाय छे त्यारे तेनो सौथी वधु विकास थाय छे। साधके आ वलणमां क्रमशः विकास करवानो छे, केम के ए तो नक्की ज छे के आ वलणने एकदम तो संपूर्ण बनावी शकाय नहीं। प्राण अने मननी गतिओ आडे आवती होय छे, परंतु जो व्यक्ति ते माटे सतत इच्छा राखे तो ते तेना सतमा विकास पामशे। भगवान द्वारा बधुज थई शके, हृदय अने प्रकृतिनु शुद्धिकरण थाय, आंतरिक चेतना जागृत थाय, आवरण दूर थई जाय। जो व्यक्ति भरोसा अने विश्वासथी भगवान ने पोतानी जात समर्पित करी दे तो, जो ते तत्काल पूर्ण समर्पण न करी शके तो पण ते जेम 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 ते वधु ने वधु करतो जशे तेम तेम तेने आंतरिक सहाय अने दोरवणी प्राप्त थता जशे अने अंतरमां प्रभुनो संपर्क अने अनुभव वधतो जशे। जो तमारामां प्रश्नो पूछ्या पड़तुं मन ओछू सक्रिय बने तेमज नम्रता अने समर्पणनी दृढ़ इच्छा विकास पामे तो आ संपूर्णपणे शक्य बने छे। पछी मात्र आना सिवाय बीजा कोई बळ के बीजी कोई तपस्यानी जरूर रहती नथी। श्री अरविंद।